आप कौन सा बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला ठीक है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो टिप्स जो मैं यूज करता हूँ, मैं अपने वीडियोस को कैसे एडिट करता हूँ, क्या सेटअप टूर है मेरा, आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब घरेलू चीज़ है यानी होम मेड है और एक भी पैसा इसमें लगने वाला नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए बहुत प्रोफेशनल कैमरा चाहिए होता है और बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन मैं आज आपसे क्लियर कर देता हूं कि वीडियोस बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आपको एक भी पैसा यूज होने वाला नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे शूट करता हूं। सो मैं पहले तो ग्रीन स्क्रीन यूज करता हूं, जो ये आप देख सकते हो ये ग्रीन स्क्रीन है, इसी को मैं यूज करता हूं, जिससे कि मेरे वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और वो वीडियो देखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है। दोस्तों मैं भी आप सभी की तरह बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को होम ट्यूशन जाके पढ़ाता हूँ, उसी से जो मेरे पास पैसे आते हैं उसी से मैं ये सब बनाया पाया हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन ले पाया हूँ जो देख सकते हैं ये आप, और ये बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, ये मैंने ये दीवार ही है, वाल है पूरा, ये वाल ही है जो मैंने पेंट करा दिया है। सो अगर आपके पास जुनून है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक लकड़ी था उस पर मोबाइल रख के मैं वीडियो शूट करता था और उसे पब्लिश करता था। धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट दिखाया और मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास और भी कुछ खरीदना चाहिए मुझसे, तो उससे पैसे जो मुझे मिले थे उससे मैंने ये ग्रीन स्क्रीन खरीदा था, जो कि अप्रोक्स आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, ओनली 200 रुपीज़। और ये दीवार है, ये वाल है जो मैंने खुद से पेंट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दूसरे को पेंट करवा सकूं, मैंने खुद से इसको पेंट कर लिया था पेंट खरीद के। और ये लाइट्स हैं, जो लाइट्स आपके पास लाइट्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप ये देखिए मैं होममेड लाइट यूज करता हूँ, ये लाइट बहुत ही अच्छा है जो मैंने घर पे ही बनाया है, और इसको स्टैंड देख सकते हैं, पूरा सा जुगाड़ है एकदम और कुछ नहीं, सब जुगाड़ से ही मैंने ये सब किया है। सो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनल कैमरा चाहिए आपको वीडियो शूट करने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जुनून चाहिए। सो ये देखिए एक LED लाइट है जो कि यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये LED लाइट है और ये एक लाइट है और एक ये लाइट ऊपर है, देख सकते हैं ये, इस पर मैंने कपड़ा लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा था, तो मैंने कपड़ा लगा दिया है इस पर। सो दोस्तों आपके कंटेंट से इम्पोर्टेंट होता है आपकी आवाज़, जो आप आवाज़ बोल रहे हैं वो आवाज़ ऑडियंस तक पहुंच पा रही है क्या, वो आवाज़ जो उस आवाज़ में वो सुनना चाहते हैं क्या, उस आवाज़ में वो आपकी आवाज़ उनके पास पहुंच पा रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए आपको एक माइक खरीदना होगा, यही माइक जो है बोया बाय M1, आप इसको परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सैमसंग का ईयरफोन यूज कर सकते हैं, उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा है, सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसे हों तो ये माइक बेस्ट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेटअप टूर जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा इसमें पैसा कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ LED बल्ब का खर्च हुआ है, उसके बाद ये पेंट का खर्च हुआ है और उसके बाद ये ग्रीन स्क्रीन का खर्च हुआ है। सो पैसे नहीं है, बस आपके पास जुनून होना चाहिए। जब मैंने शुरुआत किया था तो ये ग्रीन स्क्रीन भी मेरे पास नहीं था, मेरे ओल्ड वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं, मैं वैसे ही वीडियो शूट करता था। और आपके पास लाइट नहीं है तो आप सनलाइट में वीडियो शूट करते हो, वो एक बेस्ट तरीका होता है सनलाइट में वीडियो शूट करने का।
और बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप वीडियोज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं। सो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं आपको बता दूं कि मैं फ़ोन से ही वीडियोज़ को एडिट करता हूं। अगर आपका ज़्यादा डिमांड रहेगा तो मैं वीडियो एडिट कैसे करता हूं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और ये ट्राइपॉड है मेरा जो मैंने लिया था, बहुत समय पहले ही लिया था, एज यू कैन सी ये ट्राइपॉड है, देख सकते हैं आप। इस ट्राइपॉड को मैंने लिया था लगभग 800-850 का पड़ा था मुझे उस समय, क्योंकि जुनून था ना, एक पागलपन था कि यार वीडियोस बनाना है, मुझे भी नाम कमाना है। क्या गांव के लोगों के पास सपने नहीं होते? होते हैं, बस करने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास ही है ना सपना तो स्टार्ट कर दोगे यार, जो होगा वो देखा जाएगा। स्टार्ट कर दोगे तो सीखते जाओगे और दूसरों को सिखाते जाओगे, जो भी पैशन है, कैसी भी टाइप का आप वीडियो बनाना चाहते हो, बट स्टार्ट कर दो। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो ना तो काफिला बनता जाता है और आप आगे अचीव करते जाते हो। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करते हो या फिर नहीं। सो ये थे वो मेरे सेटअप टूर। और भी मैं कई ईयरफोन्स यूज करता हूँ वीडियोज़ को एडिट करने के लिए, हेडफोन्स यूज करता हूँ जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये है वो हेडफोन जो मैंने अभी हाल में ही परचेज़ किया है, जो अमेजोन का सेल चल रहा था, तो उस पर ये मुझे 4000 का था लेकिन मिला 1000 का, तो मैंने ले लिया क्योंकि वीडियोस को एडिट करने के लिए ये बेस्ट है हमारे समझ से। और जो भी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। ये बुक्स है जिसको मैं पढ़ता हूँ, ये बुक्स है और कई सारे बुक्स उसमें रखे हुए हैं। सो जो बुक्स है वो भी मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखने के लिए मैं एक डायरी यूज करता हूँ जिसके मैं स्क्रिप्ट में लिखता हूँ और उसमें उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ। सो वीडियोस बनाने के लिए बहुत से मेहनत लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ उखाड़ने का, तो आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और आप काफिला बनाते जाओगे। सो दोस्तों, मैं भी जब बहुत स्टार्ट किया था तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह एक गांव से बिलोंग करता हूँ। लोग मुझे भी बोलते थे कि यार क्या कर रहा है, पागल है क्या तू, ये क्या कर रहा है, लोग तुझे देखेंगे नहीं, कौन तुझे देखेगा, कौन तुझे पसंद करेगा, कौन तेरी वीडियोज़ को देखेगा, लाइक करेगा। लेकिन आज वो लोग अब भी बोलते हैं, बहुत से लोग बैड कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं बोला कि यार मैं करता रहूँगा, लोग कुछ भी बोले मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और यही बात मैं आपको भी बताता हूँ कि करते रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो, क्योंकि सीखना जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उसी दिन जीतना भी बंद हो जाएगा। सो सीखते रहो और ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ बनाता रहूँगा, ऐसा काफिला आपके साथ निभाता रहूँगा, ये साथ इसी तरह बनाता रहूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस विलेज बॉय को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।